दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी, सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और ऐसे में साफ तौर पर अगर देखें तो आज मतदाता ये तय करेंगे कि उनकी सरकार कौन सी होगी। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी, 67 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी, 2 सीटों पर जेडीयू, 1 सीट पर एलजेपी चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला भी है। तो दिल्ली की 70 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और 8 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। तो 67 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी, 2 सीट पर जेडीयू और 1 सीट पर एलजेपी चुनाव लड़ रही है। तो जिन सीटों पर जेडीयू और एलजेपी चुनाव लड़ रही है उन सीटों को बीजेपी ने छोड़ दिया है। ऐसे में 67 सीटों पर अब चुनाव लड़ रही है दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। मुद्दे मूलभूत सुविधाओं से लेकर राष्ट्रवाद तक है। तो दिल्ली की 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हमारी सहयोगी पूजा यादव इस वक्त केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं। पूजा, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर आप देख पा रही हैं? लगता है आवाज नहीं आ पा रही पूजा आपकी हमारे पास तक, हमें एक बार फिर से आपसे संपर्क करेंगे। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, अब लगभग लगभग 1 घंटा हो चुका है मतदान शुरू हुए, ऐसे में अब तस्वीरें किस तरीके की हैं? चहलकदमी काफी हद तक बढ़ गई होगी। है वो लगातार जारी है, पिछले 1 घंटे से लगातार वोट हो रहे हैं। सर, माता जी आप देखिए, एक बुजुर्ग माता जी है जो अभी वोट करके आई है। माता जी वोट करके आई है, इतनी ठंडक में भी सुबह सुबह, कितना जरूरी है वोट करना? बहुत जरूरी है। दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में बहुत सारी चीजों को लेकर कैंपेन हुआ, लेकिन आप लोग जब वोट कर रहे हैं तो दिमाग में क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, क्या क्या सोच के वोट कर रहे हैं? हमें बिना सोचे मोदी जी ने अपने आप इतनी सुविधाएं, नाम मत लीजिए, मतलब फिर भी मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि क्या किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट कर रहे हैं, दिमाग में क्या मुद्दे हैं? सर आप आइए मेरे साथ। सबसे बड़ी बात ये कि क्या क्या ऐसे इश्यूज हैं जो आप लोगों को लगता है कि वोट के लिए, जो वोटर्स के लिए जरूरी हैं? मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो हम नेशनल इश्यूज को ही देखते हैं। दिल्ली ठीक है, दिल्ली का भी एक उसमें अपना महत्व है, लेकिन मेरे हिसाब से पूरे राष्ट्र का एक समय हमें सोचना चाहिए। और ये जो बाकी पार्टियां वायदा कर रही हैं या वो कर रही हैं, ठीक है, हमें सबको नाप तोल के, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, सबका अपना अपना वो है। यानी कि वोटर सोच समझ करके, जिसमें देश का विकास और दिल्ली का विकास सब समाहित हो, उसको लेकर बिल्कुल। और मैं किसी भी रिलीजन को, सबको समानता देनी है, किसी को एक को बढ़ावा देने वाली पार्टियों से दूर रहना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो देखिए ये वोटर हैं और वोटर पूरी तरीके से जो है कॉन्फिडेंट होकर वोट कर रहे हैं। और से बड़ी बात यह है कि उन्हें मालूम है कि उनके वोट की कीमत क्या है और वोट किन मुद्दों के और किस आधार पर वोट कर रहा है। यही वजह है कि सुबह से ही जो तमाम वोटर हैं जो मतदान केंद्रों की तरफ जा रहे हैं, आप देखिए इस वक्त मैं मयूर विहार फेज 1 के मतदान केंद्र के बाहर हूं, जहां पर अभी बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी यहां पर आकर वोट करेंगे जो है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो बेहद ही अहम है। ठीक है ब्रजेश, मैं आपके पास लौटता हूँ, आपसे और कुछ जानकारियां हासिल करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता रहे हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि दिल्ली को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और हर गरीब को अपना घर दे कर इसे विश्व की सबसे अच्छी राजधानी सिर्फ एक दूरदर्शी सोच और मजबूत इरादों वाली सरकार ही बना सकती है। मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि झूठ और वोट बैंक की राजनीति से दिल्ली को मुक्त करने के लिए मतदान अवश्य करें। तो ये अमित शाह की तरफ से अपील की गई है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर मतदान करें और दिल्ली के लिए एक सही सरकार चुने। पूजा यादव हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, आपकी आवाज कुछ देर पहले नहीं आ पा रही थी, अपनी बात को आप कंटिन्यू कीजिए। और देखिए तुषार, इस वक्त हम खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर खड़े हुए हैं और थोड़ी थोड़ी मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, जिससे अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि 9 बजे का वक्त था उनके वोट कास्ट करने का और अब 9 बज चुके हैं, तो बस इंतजार है उनके बाहर आने का और वो अपने पोलिंग बूथ पर जाएंगे और वोट कास्ट करेंगे। और लगातार, क्योंकि देखिए जितनी जोर आजमाइश होनी थी वो तो हो चुकी है, लेकिन आज पूरा का पूरा मौका सिर्फ जनता के पास में है और जनता ने तय करना है कि अब अगली सरकार किसकी होगी। तो फिलहाल अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है, जो उनके सिक्योरिटी में जो मेम्बर्स हैं वो लगातार देखिए यहाँ पर पूरा
पूरा अभी मुआयना कर रहे हैं और अभी पूरी जो थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो चुकी है। से अभी देखिए बस कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल यहाँ से अपने पोलिंग बूथ पर निकलेंगे और वोट कास्ट करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए चहलकदमी कितनी सड़कों पर बढ़ गई है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर आज मतदान के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग निकले इसकी अपील लगातार सुबह से की जा रही है, साथ ही साथ जनता कितना इंटरेस्ट ले रही है इस पोलिंग में? देखिए अगर लोगों की बात करते हैं तो लोग पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं इस बार के चुनाव में और हमेशा से ही दिल्ली की जनता की जब भी बात होती है दिल्ली की जनता जागरूक है और हमेशा से ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, तो इस बार भी वही चीज़ देखने को मिली। मैंने अपने खुद बूथ का आपको जिक्र किया था कि जहाँ पर सुबह 8 बजे से पहले से ही लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर खड़े हो गए थे और अपना वोट कास्ट करने के लिए सब में लगातार उत्साह देखने को मिल रहा था और वही चीज़ यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, सड़कों पर भी लगातार देख रहे हैं आप, क्योंकि देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की और जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी कम होती जाएंगी और लोग पोलिंग बूथ की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में अब वही तस्वीरें हैं सड़कों के ऊपर भी, अगर हम बात करते हैं तो सड़कों पर भी लगातार चहलकदमियाँ बढ़ चुकी हैं, लोग लगातार अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुँच रहे हैं और वोट कास्ट करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ब्रजेश अगर बात करें यही स्थिति आपके पोलिंग बूथ पर जो हम आपके पीछे देख रहे हैं, ज्यादा के सारा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं या फिर अभी शुरुआत धीमी मानी जाए? मुझे लगता है सुबह की खुमारी है, थोड़ा सा उतरने में समय लगेगा और चूंकि ठंडक का समय है ऐसे में लोग घरों से बाहर निकल तो रहे हैं लेकिन अभी वो तादाद, वो जो फ्लुएंसी है वो देखने को उस लेवल पर नहीं मिल रही है और खास करके जो पॉश इलाके हैं वहां पर वोटिंग का परसेंटेज थोड़ा सा कंफर्टेबली स्लो है। तो लेकिन फिर भी बावजूद उसके सुबह से जो कंटिन्यूसली जो है लोग आ रहे हैं, क्योंकि अब क्या है कि तुषार वो जमाना चला गया जब आप मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें घंटों तक देखा करते थे, जो उसके पीछे वजह ये थी कि जो वोटिंग प्रोसेस था वो काफी स्लो था। अब चूंकि जो प्रक्रिया है वो बहुत स्मूथ हुई है इस वजह से अब आपको उस तरह की लाइनें आपको देखने को कमोबेश बहुत कम जगह पर ही मिलती हैं। लोग आते हैं स्मूथली वोट करते हैं और वोट करके जाते हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये कंटिन्यू चल रहा है। आप देखिए मेरे पीछे अगर मैं आपको मतदान केंद्र की तस्वीर दिखाऊं तो मतदान केंद्र में आपको बाकायदा मतदाता वोट करके बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे, यहाँ से अंदर जाते हुए दिखाई देंगे। पहले के समय में कहीं ना कहीं वाहनों का आवागमन नहीं होता था, अब तो आपको पोलिंग सेंटर तक आप अपने वाहनों को ले जा सकते हैं, वहां से जो है बाकायदा आवागमन कर सकते हैं। तो स्थितियां बहुत हद तक बदली हैं और बहुत सारी चीजें प्रक्रिया आसान हुई और इसी की बदौलत न सिर्फ वोटर परसेंटेज पहले से बेहतर बढ़ा है बल्कि इसके साथ ही लोगों का रुझान भी बढ़ा है। पहले लोग परिवार के साथ बाहर निकलने में वोट करने में कुताही करते थे, कौन घंटों तक लाइन लगाए, लेकिन अब थोड़ा सा स्थितियां बदली हैं, ये स्मूथली लोग आ रहे हैं और सुबह से हम देख रहे हैं दिल्ली में 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई, 1 घंटे का वक्त हो चुका है और 1 घंटे से कंटिन्यूस जो वोटिंग है वो जारी है, लोग रह कर आ रहे हैं और वोट करके वापस लौट रहे हैं, तो स्मूथली वोटिंग अभी तक चल रही है, अभी तक कहीं से कोई इंटरप्शन किसी भी तरह की कोई समस्या अभी तक सामने नहीं आई है। ठीक है, मैं आप दोनों के पास ही लौटूंगा, कुछ और जानकारी भी हासिल करूंगा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों पर वोटिंग आज हो रही है, इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपना वोट डाला है। उपराज्यपाल अनिल बैजल अपनी पत्नी के साथ ग्रेटर कैलाश के एक मतदान केंद्र में पहुंचे जहां उन्होंने अपना मतदान किया। ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज उम्मीदवार हैं, वहीं बीजेपी से शिखा राय और कांग्रेस से सुखबीर पवार उम्मीदवार हैं। तो अनिल बैजल ने आज अपना मतदान किया और मतदान करने के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर देखिए अनिल बैजल के उस दौरान की तस्वीर है जिस वक्त वो मतदान करके बाहर आए थे और उन्होंने अपना वोटिंग मार्क भी दिखाया अपने फिंगर पर। फिलहाल ये तस्वीर उनके वोटिंग सेंटर के बाहर की है। तो वहीं पश्चिमी दिल्ली सीट से सांसद प्रवेश वर्मा ने मटियाला विधानसभा इलाके के अपने एक मतदान केंद्र से अपना वोट डाला है। इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने राजेश गहलोत और कांग्रेस से सुमेश शौकीन को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी के गुलाब सिंह यादव मटियाला से मौजूदा विधायक हैं और पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। तो प्रवेश वर्मा ने भी अपना मतदान कर दिया है, ऐसे में मताधिकार का इस्तेमाल प्रवेश वर्मा की तरफ से किया गया। प्रवेश वर्मा एक इस पूरे अगर चुनावी कैंपेन की बात करें तो सबसे विवादित चेहरा रहे बीजेपी की तरफ से, ऐसे में आज उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल फिलहाल कर लिया है। दूसरी तस्वीर ये जो आप देख रहे हैं ये अनिल बैजल हैं, उपराज्यपाल दिल्ली के हैं और वो अपने परिवार के साथ पहुंचे, उन्होंने वहां पर मतदान किया। मतदान करने के साथ ही साथ उन्होंने अपील भी की है कि सभी अपने घरों से निकलें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें जिससे कि एक बेहतर सरकार, एक जनता की चुनी हुई सरकार दिल्ली पर राज कर सके, अगले 5 साल तक बहुमत के साथ राज करे जिससे कि दिल्ली का विकास बेहतर तरीके से किया जा सके। तो दिल्ली का सियासी इम्तिहान शुरू हो चुका है, जनता जनार्दन के हाथों में अब किस्मत कैद है, उन प्रतिनिधियों की, दिल्ली की सरकार की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की, कि कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, कौन दिल्ली उनके इलाके का, उनके क्षेत्र का प्रतिनिधि होगा।
तो अपने प्रतिनिधि की किस्मत का फैसला कीजिए। न्यूज वन इंडिया भी आपसे अपील करता है, अपने घरों से निकलिए, पहले मतदान फिर जलपान कीजिए। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रतिशत की बात करते हैं। सुबह 9 बजे तक लगभग 0.74% मतदान हुआ है, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। एक घंटे के मतदान की हम बात कर रहे हैं, एक घंटे में जो मतदान हुआ वो ओवरऑल अगर देखें तो 0.79% मतदान हुआ है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है और 70 सीटों के अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात करें, एवरेज परसेंटेज की बात करें, तो लगभग 0.74% मतदान हुआ, बेहद कम इसे कहना चाहिए क्योंकि अभी इस मतदान के परसेंटेज को बहुत आगे जाना है। ऐसे में 0.74% बेहद कम मतदान माना जाना चाहिए। फिलहाल दिल्ली की सभी 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है, सुबह 9 बजे तक यानी कि लगभग एक घंटे का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 0.74% मतदान बताया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए ये खबर हम आपको बता दें, एक बड़ा अपडेट बता दें कि एक घंटे का जो मतदान का प्रतिशत है वो 0.74% मतदान हुआ है। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर। ब्रजेश, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, 0.74% ओवरऑल परसेंटेज एक घंटे का निकल कर आया है, किस तरीके का परसेंटेज मानेंगे क्योंकि एक घंटे में बेहद कम दिखाई दे रहा है ये। निश्चित तौर पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो बेहद कम है और मैंने कहा भी था पहले कि जो खुमारी है वो धीमे धीमे उतरेगी, और मुझे लगता है दिल्ली का वोटर जो है अभी इस सर्द सुबह में निकलने से थोड़ा सा गुरेज कर रहा है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज अभी 2 घंटे का जैसे फाइनल आएगा तब आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी 10 बजे की जो फिगर आएगी वो मुझे लगता है बेहतर होगी, क्योंकि 8:30 बजे के बाद लोगों ने मतदान केंद्रों की तरफ मूव करना शुरू किया है और जो पहले एक घंटे का जो पूरा ये डेटा आता है वो पहले एक घंटे में मान के चलिए कि आप 30 से 35 मिनट का डेटा ही कैलकुलेट होकर के जो है सर्कुलेट हो पाता है, तो ऐसे में शुरुआती जो आधे घंटे थे वहां पर मतदान प्रतिशत निश्चित तौर पर धीमा था, लेकिन उसके बाद मतदान की जो स्पीड बढ़ी, हमने कई मतदान केंद्रों पर देखा कि यहां पर मतदाता लगातार आ रहे हैं तो मतदान की स्पीड बढ़ी है, तो ऐसे में जो 10 बजे जिन जगहों पर आप रहे, जिन सेंटेंस पर आप रहे, वहां पर भी यही स्थिति की शुरुआत भले ही 8 से 8:30 तक धीमी रही हो, लेकिन जैसे जैसे 8 से 9 का समय हुआ लोगों के चहलकदमी भी बढ़नी शुरू हुई और आने वाले समय में हम मान लें कि अगले 1 घंटे या 2 घंटे के जो आंकड़े आएंगे 10 बजे 11 बजे तक के जो आंकड़े होंगे वो बेहतर होंगे इससे निश्चित तौर पर। तुषार जो क्योंकि अब वोट ब्रजेश में आता हूँ आपके पास, ब्रजेश में आता हूँ आपके पास पूजा, बेहतर था माहौल, देखिए वहां पर थोड़ा सा बेहतर माहौल था, मैंने जैसे जिक्र किया क्योंकि जहां पर ब्रजेश हैं वहां पर लोगों का आमतौर पर जो रूटीन रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है, और जहां पर मैं मौजूद थी वहां पर थोड़ा सा रूटीन लोगों का अलग है, वहां पर लोगों की पहली प्राथमिकता ये होती है कि आप पहले वोट कास्ट करके आइए, अपना काम उसको समझते हैं कि जिम्मेदारी हो गई वो खत्म निपटाइए उसको, उसके बाद आप अपने बाकी के काम करते रहिए क्योंकि उसके बाद आपके आपका दिन पूरा फ्री है, तो वहां पर एक अलग तरह की सोच लोगों की है और उसी के तहत लोग अपने घरों से बाहर निकलने शुरू हुए और तेजी से पहुंच, थोड़ा सा उसके बाद हो सकता है कि अभी फ्लो कम हुआ क्योंकि अभी हम वहां से आ चुके हैं और फिलहाल हम केजरीवाल के आवास के बाहर में खड़े हुए हैं, तो वहां पर उस वक्त अच्छा खासा फ्लो लोगों का देखने को मिल रहा था आने को लेकर और लोग बहुत उत्साहित भी थे क्योंकि वहां पर आमतौर पर यही होता है कि आप अपना जाइए पहले वोट कास्ट कीजिए, अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो जाइए, उसके बाद में आप अपने बाकी के सारे काम कीजिए। कई जगहों पर ऐसा है, देखिए दिल्ली में भी अलग अलग इलाकों के हिसाब से अलग अलग लोगों का रवैया है, लोगों का मिजाज है, तो लोग अपने मिजाज के हिसाब से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन दिल्ली का वोटर जागरूक है और दिल्ली का वोटर जागरूक है, जाहिर सी बात है हमेशा से ही बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करता रहा है वोटिंग के अंदर, इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है क्योंकि इस बार तो तस्वीर और भी और दिलचस्प हो चुकी है राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस बार वोटर और ज्यादा अपने घरों से बाहर निकलेगा और सुबह से ही लगातार हम यही लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सुबह से आपकी बात हुई होगी, तमाम लोगों से बात हुई होगी, वोटर्स जो आए वोट करके आए उनसे भी बात हुई होगी, जो वोट करने जा रहे हैं उनसे भी बात हुई होगी, क्या मुद्दों को लेकर यहाँ पर लोगों की सोच साफ हुई है कि क्या मूलभूत सुविधाओं के, पिछले 8 दिन की जो बात थी, 8 दिन में काफी समीकरण बदले, अगर दिल्ली की हम बात करें शाहीन बाग का मुद्दा बहुत हावी होने लगा, बीजेपी की एग्रेसिव कैंपेनिंग सामने आने लगी, क्या पिछले 8 दिनों के सियासी समीकरण मूलभूत सुविधाओं पर ही टिके रहे, स्वास्थ्य शिक्षा बिजली पानी इन्हीं पर टिके रहे, या राष्ट्रभक्ति देशभक्ति शाहीन बाग CAA NRC इन मुद्दों का हावी होने का असर पड़ा है? देखिए दोनों ही बातें हैं, अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं तो आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से ही मतलब होता है, लेकिन इस बार हम देखिए पिछले चुनावों से लगातार देख रहे हैं एक अलग तरह का जो इस वक्त हम देखते हैं चलन जो चला है, जिसमें आज राष्ट्रवाद की बात होनी शुरू हो जाती है, जहां पर जैसा आपने जिक्र किया शाहीन बाग को लेकर, तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो दोनों ही बातें लोगों के जहन में है, मैंने वही जिक्र किया था कि एक कॉकटेल लोगों के जहन में बन चुका है, अब इस कॉकटेल का रिएक्शन क्या होगा ये EVM में कैद हो रहा है और उसके बाद किस्मत का फैसला जब होगा तब तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि अभी देखिए मतदाता अपने घरों से बाहर
बाहर निकल रहे, बात वो कर रहे हैं कि हमें तो चाहिए बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, लेकिन उसके अलावा उनके जहन में एक साइड कॉर्नर में वो बात भी है जिसका जिक्र आप लगातार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ब्रजेश इस बात को देखा जाए ये कहीं ना कहीं हावी जरूर हुआ है, और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी भी राजनीतिक पार्टियों की थी कि आप अपने अपने मुद्दों को लेकर चलिए और ये आखिरी समय आप मुद्दों को एग्रेसिव कैंपेनिंग के जरिए रखिए, जिससे कि जनता के जहन में वोटिंग करते टाइम यानी कि जो 48 घंटे होते हैं जब आपकी कैंपेनिंग पर पाबंदियां लग जाती हैं उस टाइम वो एक हैंगओवर रहे उस कॉकटेल का, जिस कॉकटेल का जिक्र यहां पर पूजा ने किया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली का यह पहला चुनाव होगा जहां पर दिल्ली के कैंपेन में दिल्ली के मुद्दे मुझे लगता है नदारद रहे। बात भले ही आज नेता से लेकर अभिनेता तक या वोटर तक हर कोई सिर्फ वोट के विकास की बात करता, लेकिन हकीकत यह थी कि जब चुनाव हो रहा था, जब कैंपेन चल रही थी, तब वहां से विकास नदारद था, तब वहां पर शाहीन बाग था, वहां पर सीए था, वहां एनआरसी था, वहां पर जो है अगर देखा जाए पोलराइज करने की लगातार कोशिश थी। तो इस बार का दिल्ली का चुनाव यह एहसास ही नहीं दे रहा था कि किसी जो है यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन यहां पर हो रहे हैं, बल्कि ये लग रहा था मानो किसी नेशनल इलेक्शन हो रहा। उसके पीछे वजह यही थी कि इस बार के चुनाव में जमकर भड़ास निकाली गई, आरोप प्रत्यारोप लगे, बयानबाजी हुई और खास करके राष्ट्रवाद के एजेंडे को बड़े लेवल पर प्रमोट किया गया, और स्टेट इलेक्शंस में जो एक्चुअल बुनियादी मुद्दे होते वो यहां से नदारद थे। लेकिन अब वोटर कितना जो है इसको लेकर के जब वोट करने जाएगा तो उसके जहन में क्या वाकई में वो जो एग्रेसिव कैंपेनिंग थी वो यहां पर रहेगी, तो मुझे लगता है वो स्थायी है, वो लोगों के दिमाग में असर करता है। और राजनीतिक दलों की कोशिश भी यही थी कि डेवलपमेंट के साथ साथ अगर आप जो है इस पूरे जो धर्म या राष्ट्रवाद या फिर इसकी चाशनी अगर आप मिला दो तो एक अलग तरीके का जो है नतीजा सामने आएगा, तो वो कोशिश दिल्ली के चुनाव में इस बार भरपूर तरीके से सियासी दलों ने की है। अब उसका क्या कुछ असर होगा ये 11 फरवरी को तय हो जाएगा, लेकिन वोटरों के मिजाज में है। ब्रजेश अगर कुछ सीटों की बात करें दिल्ली के अंदर कुछ सीट बेहद अहम है और ज्यादातर जो नजर है जैसे नई दिल्ली सीट की बात कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल की सीट, पटपड़गंज, उससे पहले सवाल मैं आपसे लूंगा उससे पहले एक अपडेट आ रहा है वो हम आपको बता दें कि यमुना बिहार के अंदर एक पोलिंग स्टेशन पर जिस पर तकनीकी कारण की वजह से मतदान शुरू नहीं हुआ है, मौके पर चुनाव आयोग की तकनीकी टीम पहुंची है, टेक्निकल टीम पहुंची है और अभी मशीन को दुरुस्त किया जा रहा है। यमुना बिहार के अंदर C10 ब्लॉक बूथ अभी वहां पर मतदान शुरू नहीं हुआ है, क्या ब्रजेश ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू ना हुआ हो, जैसे यमुना बिहार के C10 ब्लॉक बूथ पोलिंग स्टेशन पर अभी तक मतदान शुरू नहीं हुआ, एक घंटा हो चुका है लगभग। देखिए अभी कंट्रोल रूम में इस तरह की खबरें बहुत कम आ रही हैं, इक्का दुक्का कहीं पर ईवीएम जब शुरुआत में डेमो किया गया था तो डेमो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थी जिसको रिमूव कर दिया गया था और उसके बाद फिर जो है वापस कंटिन्यूअसली जो है मतदान था वो शुरू हो गया था। एक दो जगह पर ऐसी खबरें जरूर आई हैं जहां 10-15-20 मिनट मतदान लेट हुआ है, लेकिन अब इस समय देखा जाए तो इस समय लगभग सभी 70 विधानसभा सीटों पर जो है मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। अभी तुरंत जो है कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं है जहां पर मतदान प्रभावित हो। एक दो मतदान केंद्रों को अगर छोड़ दिया जाए, वहां पर ईवीएम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थी जिसको वहां के इंजीनियर्स ने दुरुस्त कर लिया और जहां जरूरत पड़ी है तो एक दो ईवीएम मशीन को बदला भी है चुनाव आयोग ने। तो कोशिशें लगातार यही है कि बगैर किसी करप्शन के, बगैर किसी अवरोध के जो है मतदान को लगातार चलाया जाए। ब्रजेश बात कर रहे थे हम कुछ ऐसी अहम सीटों की जिन सीटों का अगर जिक्र करें तो बेहद अहम ये सीटें हो जाती हैं, कौन कौन सी सीटें ऐसी मानकर चलें जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नजर आम आदमी पार्टी की भी होनी चाहिए, बीजेपी की भी होगी और कांग्रेस की भी होगी? देखिए निश्चित तौर पर कई ऐसी अहम सीटें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर अगर देखा जाए तो मुकाबला 10-15 सीटें ऐसी हैं जहां पर बेहद दिलचस्प है, जबरदस्त तरीके से वहां पर टक्कर है। खुद नई दिल्ली की बात करें अरविंद केजरीवाल वहां से लड़ रहे हैं, पटपड़गंज से बात करें मनीष सिसोदिया वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जो है राजेंद्र नगर से राघव चड्ढा वहां से हैं, आरपी सिंह उनके खिलाफ वहां से चुनाव मैदान पर हैं, कालका से आतिशी वहां पर चुनाव मैदान पर हैं, ये कई महत्व मॉडल टाउन से कपिल मिश्रा जो है समय बीजेपी के टिकट से चुनाव मैदान पर, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता है, तो देखा जाए तो कई ऐसी चुनौतीपूर्ण महत्वपूर्ण सीट्स हैं जो है जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। इस बार देखने को मिलेगा कि क्या 5 साल में किए गए सरकार के काम पर लोग वोट कर रहे हैं या फिर राष्ट्रवाद के नाम पर जो है सरकार के खिलाफ लोग वोट कर रहे हैं, तो ये बेहद अहम होगा और यहां पर मुकाबला भी बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। आप पूजा आप खुद क्योंकि एक वोटर हैं दिल्ली के और आपने भी सुबह वोट किया है, जहन में क्या मुद्दे हैं क्योंकि आम जनता से आपने बात किया और आप खुद एक वोटर होने के नाते आपके दिमाग में भी कुछ मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया है?
देखिए जब आप अपनी सरकार को चुनते हैं आप अपने प्रदेश के भविष्य के बारे में सोचते हैं और हर वोटर के जहन में यही ख्याल और यही बात हमेशा से रहती है, तो यहाँ पर भी आप चाहे खुद एक वोटर हैं या फिर कोई भी अन्य वोटर है, सभी के जहन में एक ही बात होती है, तो आप यही सोच रहे होते हैं। दूसरी बात ये, आप कैंडिडेट को देखते हैं, आप पार्टी की स्ट्रैटेजी को देखते हैं, आप पार्टी की नीतियों को देखते हैं, आप उनकी सोच को देखते हैं, आखिरकार वो किस सोच के साथ में आगे चल रहे हैं। इन तमाम बातों को जब आप अपने जहन में रखते हैं, उन बातों को जहन में रखने के बाद में आप आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद आप अपना वोट कास्ट करते हैं, तो वही सेम बात है जैसे और अदर जो वोटर्स होते हैं उनके जहन में बात थी, वही सेम देखिए, क्योंकि हमारी तो और जिम्मेदारियां बढ़ जाती है क्योंकि हम एक पत्रकार भी हैं, तो ऐसे में आपको तो और ज्यादा चीजों को छान कर देखना पड़ता है ताकि कहीं भी, क्योंकि देखिए प्रदूषित हर आजकल हम चीज हर देख रहे हैं, चाहे वायु हो चाहे आप कहीं भी देखें, प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, तो आजकल लोगों की बातों में भी प्रदूषण है, तो ऐसे उस प्रदूषित वातावरण से बचना, लोगों को बचाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है और उसी का निर्वहन करते हुए हम लोग भी खुद को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, सोचते हैं और उसके बाद में हम तय करते हैं कि अब हमें किसको चुनना है। 9 बजे का समय था केजरीवाल के वोट करने का और अभी आप क्योंकि सीएम के घर के बाहर मौजूद हैं, कितनी देर और लगभग आपको लगता है वहां से कि कितनी देर में केजरीवाल आएंगे बाहर और वोट डालने जाएंगे? देखिए बिल्कुल 9 बजे का वक्त था लेकिन अभी क्योंकि लगभग शायद 9:30 बजे का वक्त होने जा रहा है और अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ी सी बीच में एक्टिविटीज़ तो बड़ी थी जिससे ये लग रहा था कि शायद हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल अब कुछ ही देर बाद बाहर आएंगे और अपने पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट करने जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी ही दूरी पर यहां से उनका पोलिंग बूथ है जहां पर वो वोट कास्ट करेंगे, तो सभी लोग देखिए यहीं पर इंतजार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का कि वो बाहर आएंगे, और क्योंकि देखिए ये उनके लिए बहुत बड़ी इस वक्त एक अहम घड़ी है क्योंकि आपने कहा कि आपने 5 सालों तक काम किया है और जनता आपके काम। आप पूजा, मैं आपके पास लौटूंगा। चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं अलका लांबा और अलका लांबा ने अपना मतदान अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अलका लांबा ने टैगोर गार्डन एक्सटेंशन में बूथ नंबर 161 पर वोट डाला है। अलका लांबा के सामने आम आदमी पार्टी के प्रहलाद सिंह सहानी और बीजेपी की सुमन गुप्ता मैदान में है। चांदनी चौक सीट से अलका लांबा मतदान पर है। फिलहाल आपको बता दें चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अलका लांबा ने मतदान किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने मतदान कर दिया है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तस्वीर देखिए, अलका लांबा काफी चर्चित चेहरा है, आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई है। पिछली बार विधायक रही, चांदनी चौक सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट से जीती थी, इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। कुछ नाराजगी के चलते आम आदमी पार्टी का साथ इन्होंने छोड़ दिया था। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो अब तक लगभग 3% का मतदान हुआ है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। अब तक 3% की वोटिंग हुई है। आपको बता दें दिल्ली विधानसभा चुनाव यानी कि समय हो गया 9:30 का, 1.5 घंटे की वोटिंग, 3% वोटिंग अब तक हुई है। शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा। 70 सीटों पर मतदान हो रहा है लेकिन बेहद कम ये मतदान, 3% का मतदान, बेहद कम मतदान यहाँ पर हुआ है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीएम आवास के बाहर की, केजरीवाल वोटिंग करने के लिए घर से निकले हैं। ये तस्वीर इस वक्त सीएम केजरीवाल की तस्वीर, केजरीवाल निकल रहे हैं लगातार और अब पूरे परिवार सहित देखिए पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और क्योंकि उनकी लगातार जो पत्नी है वो प्रचार भी उनके लिए करती रही और अब देखिए साथ में दोनों निकले हैं वोट कास्ट करने के लिए। कैमरा पर्सन गौरव के साथ पूजा यादव, दिल्ली। तो हमारी संवाददाता पूजा यादव वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने खुद वो तस्वीरों को दिखाया कि केजरीवाल के तरफ घर से निकले हैं, अब से कुछ ही मिनट पहले घर से निकले हैं और आपको बता दें कि आप सीधे पोलिंग सेंटर पर जाएंगे, वहां पर मतदान करेंगे क्योंकि मीडिया को पोलिंग सेंटर के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है, 200 मीटर बाहर रखा गया है मीडिया को। यही भी वजह है कि मीडिया के कैमरे अंदर तक की तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन यहां जो काफिला निकला अभी सीएम केजरीवाल का, वो केजरीवाल का काफिला अभी वोटिंग सेंटर पहुंचेगा, पोलिंग सेंटर पर जाकर मतदान करेंगे और उसके बाद बाहर आकर मीडिया से जहां तक तारुफ जरूर करेंगे केजरीवाल। तो सीधे तौर पर अब तक के मतदान की अगर बात करें, 1.5 घंटे का मतदान हो गया, 3% मतदान हुआ है। आप ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, अगर देखें वीआईपी मूवमेंट्स आज पोलिंग सेंटर पर जो रहेगा, तमाम वीवीआईपी जो हैं और वीआईपी जो हैं वो पोलिंग सेंटर पर पहुंचेंगे, आप जहां पर मौजूद हैं कितनी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं तमाम वीआईपी? बिल्कुल, देखिए तुषार, इस वक्त मैं मयूर विहार फेज 1 के जो है विद्यालय में, और यहाँ पर बीजेपी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं अरुण सिंह, वो अभी वोट करने गए हैं और वोट करके बाहर आएंगे जो है, हम कोशिश भी करेंगे उनसे बातचीत करने की। तो जो 9 बजे का टाइम, ज़्यादातर जो वीवीआईपी थे उनके वोट करने का समय 9 बजे मुकर्रर किया गया था और 9 बजे थोड़ा विलम्ब से सही, लेकिन फिलहाल अरुण सिंह यहाँ पर वोट करने के लिए पहुँचे हुए हैं, क्योंकि अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, इस वजह से हम लोग अभी उनका इंतजार कर रहे हैं। जैसे बाहर लौटेंगे
उसके बाद उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो है। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव बेहद ही अहम है, अहम इस मायने में भी है क्योंकि न सिर्फ तीसरी बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी सत्ता को बचाने के लिए यहाँ पर जद्दोजहद कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने 22 साल के सूखे को खत्म करने की कवायद करती दिखाई दे रही है। और देखिए कांग्रेस यहाँ पर सिमटती हुई जरूर नजर आई, इस पूरे कैंपेन में भी आउट ऑफ द फोकस रही, लेकिन उसके बाद भी वो पुरजोर कोशिश करेगी कम से कम जो 15 साल जो शीला युग जिसको कहा जाता है दिल्ली के अंदर, उस नाम के भरोसे वो। आपने एक जिक्र किया यहाँ पर शीला युग का, क्या वजह है ब्रजेश यहाँ पर कि 15 साल तक जिस दिल्ली ने कांग्रेस का साथ दिया, जिस 15 साल तक शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बनाया, पिछले 5 साल की बल्कि 2013 से 2020 तक की अगर बात करें, 7 साल में कांग्रेस को कोई बड़ा बहुमत नहीं मिला, कोई बड़े नंबर्स नहीं मिले, कोई अंकगणित में सुधार नहीं है, और 2020 के चुनाव में भी कांग्रेस के लिए कोई ज्यादा संजीवनी वाली बात दिखाई नहीं देती, एक आउट ऑफ द फोकस कांग्रेस रही है, क्या वजह है? एंटी इनकम्बेंसी इतनी लंबे दौर तक चली, अरविंद केजरीवाल का आ जाना अचानक से सियासत के अंदर, ये कांग्रेस के एक पतन की वजह रही? देखिए सबसे बड़ी बात यह कि 2013 का वो वक्त था जिस वक्त अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन के बाद जिस तरह का एक परसेप्शन दिल्ली के अंदर बना कि जो कांग्रेस की सरकार थी, खास करके शीला दीक्षित की जो सरकार थी, उसमें बड़े लेवल पर करप्शन हुआ है, वो एक माइंडसेट दिल्ली की जनता के बीच बना, और करप्शन के खिलाफ जो अन्ना आंदोलन था, जो केजरीवाल की लड़ाई थी, उसने अचानक कांग्रेस के वोट को आम आदमी पार्टी में पूरी तरह शिफ्ट कर दिया, और यही वजह थी कि 2013 में 28 सीटें, उसके बाद 2015 के चुनाव में 67 सीटें लेकर के जो है केजरीवाल पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गए। और तब से अभी तक दिल्ली के अंदर कांग्रेस अपना जो कांग्रेस से टूटा हुआ जनाधार था उसको वापस नहीं पा पाई। उसके पीछे वजह सबसे बड़ी कमजोरी काडर की कमजोरी है, उससे बड़ी कमजोरी नेतृत्व की कमजोरी है, तीसरी वो जो एक माइंडसेट होना चाहिए, एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, या फिर किस दिशा में किस विजन के साथ आगे बढ़ना है, उसकी कमी वो कांग्रेस में साफ तौर पर दिखाई दी। देखिए बीजेपी यहां पर फाइट कर रही है, कॉम्पीट कर रही है जबरदस्त तरीके से, उसने एग्रेसिवली न सिर्फ कैंपेन किया, उसको मालूम है कि चीजें जो है भले ही उसके हाथ में ना हो, 22 साल से वो सत्ता में ना हो, लेकिन वो जद्दोजहद करती हुई दिखाई दी। लेकिन कांग्रेस के साथ मजबूरी है कि कांग्रेस एग्रेसिवली अपने आप को इस चुनाव में रिप्रेजेंट नहीं कर पाई, और यही वजह है कि फिलहाल आउट ऑफ फोकस, आउट ऑफ फ्रेम नजर आ रही है, और मुकाबला सिंक्रोनाइज्ड हो गया यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। लेकिन कहते हैं जब तक नतीजे ना आ जाए तब तक आप रेस से बाहर नहीं होते ब्रजेश, हालांकि कयास है, हालांकि ये एक सियासी समीकरणों को समझने का कयास है, लेकिन क्या कांग्रेस ने इस बार आउट ऑफ द फोकस इसलिए भी खुद को रखा कि अगर वो ज्यादा फ्रंट में आएगी तो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कट सकता है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ताकत की बात होगी? तो क्या यही वजह थी कि जिस तरीके से प्रैंक्स भी चले और सोशल मीडिया पर यह बात भी कही जाती रही कि जितना कांग्रेस का पंजा मजबूत होगा उतना ही कमल मजबूत होगा, तो क्या यह भी वजह थी कि कांग्रेस ने समझा कि बीजेपी को पीछे रखना है तो आम आदमी पार्टी को लड़ने दिया जाए फ्रंट पे? देखिए निश्चित तौर पर कांग्रेस की कवायद हमेशा से यह रही है कि बीजेपी ना जीते भले ही कोई भी जीत जाए, और दिल्ली के अंदर की जो सियासत है वो कांग्रेस को मालूम है कि अगर कांग्रेस को मजबूती चाहिए तो यानी आम आदमी पार्टी कमजोर होगी, लेकिन कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं हो सकती कि बीजेपी का मुकाबला कर सके, और यही ये वोटर भी, इस मिजाज को वोटर भी बखूबी समझता है। जो बीजेपी का विरोधी है वो कांग्रेस का समर्थक कोई जरूरी नहीं, लेकिन कांग्रेस का समर्थक है अगर वो जो है तो वो जानता कि वो सत्ता में नहीं आ रही, इसलिए वो आम आदमी पार्टी के साथ भी खड़ा होने से गुरेज नहीं करता क्योंकि उसको बीजेपी का विरोध करना है। ये अजीब कस्म का सही अजीब तरीके सियासत इस दिल्ली के अंदर खास करके देखने को मिल रही है कि जो बीजेपी का विरोध कर रहा है वो किसी के साथ भी खड़ा हो जाएगा, वो भले ही किसी का भी ट्रेडिशनल वोटर क्यों ना हो, यानी कांग्रेस का वोटर आम आदमी पार्टी के साथ जाने में कोई गुरेज नहीं करेगा, और जहां पर आम आदमी पार्टी कमजोर निश्चित नजर आएगी वहां कांग्रेस के साथ जाने में आम आदमी पार्टी का वोटर गुरेज नहीं करेगा क्योंकि जो शिफ्टिंग है वो उन्हीं के साथ हुई है। अगर आप देखिए कांग्रेस एक समय 60-65 सालों तक एक छत्र राज्य करने वाली पार्टी, लेकिन लगातार जो छोटे छोटे छत्रप आते गए, स्थानीय छत्रप, उन्होंने उसके वोट को कन्वर्ट करते गए, वो फिर चाहे उत्तर प्रदेश में बीएसपी का उदय हो, समाजवादी पार्टी का उदय हो, या फिर अगर दिल्ली में केजरीवाल की बात करें, ये सारी पार्टियों ने कहीं ना कहीं जो स्थानीय स्तर पे, अब देखिए इस वक्त अरुण सिंह जो है निकल रहा है, मैं आपको सीधे एक बार उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं अरुण सिंह, जो अभी अपना वोट दे करके जो है बाहर आ रहे हैं, हम उनसे एक बार कोशिश करेंगे अरुण सिंह जी से जानने की। सर आप मतदान करके आ रहे हैं, आज कितना महत्वपूर्ण दिन है दिल्ली के लिए? देखिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आज है,
और सभी को अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर दिल्ली इस बार जब वोट करेगी तो क्या मुद्दे अहम होंगे? सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है। दिल्ली देश की राजधानी है और देश का दिल भी कोई है तो दिल्ली ही है। दिल्ली का विकास हो, दिल्ली में अच्छी सड़कें बने, दिल्ली में स्वच्छ पीने का पानी मिले, दिल्ली में आवागमन के लिए बसों की सुविधा हो और अनऑथराइज कॉलोनी वो रेगुलराइज हो, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जिस ओर देश चल रहा उसी ओर दिल्ली को भी चलना चाहिए, ऐसा लोगों के मन में है। कहीं ना कहीं विकास को कुछ सेग्रीगेट करके देखा गया है, यानी कि एक राष्ट्रवाद जो राष्ट्र का विकास और दिल्ली का स्थानीय विकास, अहम क्या है इस बात? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ती है। हाँ, राष्ट्रवाद का मुद्दा भी साथ में रहता ही रहता है और उसी मुद्दे के आधार पर आप देखेंगे हर चुनाव को हम लड़ते हैं और उसमें विजय भी हासिल होती है। लोगों के मन में यह बात है कि जिस प्रकार से दिल्ली की आबादी बढ़ रही है, दिल्ली का सर्वांगीण विकास हो और 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, 5 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है और इस बार लोगों के मन में है कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भी है, मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ भी सरकार बन रही है। 22 साल का सूखा खत्म होगा? बिल्कुल, 22 साल का सूखा खत्म होगा। देखिए, सब लोग जहाँ भी देखे वहाँ पर भी एक तरफा लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल, ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार दिल्ली का मिजाज बदल रहा है और दिल्ली में इस बार कहीं ना कहीं तस्वीर बदलने जा रही है, क्योंकि दिल्ली के लोग न सिर्फ राष्ट्र का विकास चाहते हैं बल्कि दिल्ली का भी सर्वांगीण विकास चाहते हैं। तो ये तमाम जो लीडर हैं वो अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से उनको यकीन है कि उनकी पार्टी इस बार बहुमत के साथ दिल्ली में सत्ता जरूर बनाएगी। बिल्कुल ब्रजेश, मैं आपके पास लौटूंगा, इससे पहले हम आपको बता रहे कि दिल्ली के 11 जिलों में अब तक कितना मतदान हुआ ये जानकारी दे दें। वेस्ट दिल्ली की अगर बात करें या शाहदरा की बात करें, 4.73% हुआ है। साउथ ईस्ट के अंदर 3.95% हुआ है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट में 2.99%, नॉर्थ ईस्ट में 5.19%। इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली की बात करें, सबसे कम यहां पर देखने को मिला 1.73%। साउथ वेस्ट में 4.66% मतदान हुआ। तो ये मतदान हुआ है तमाम दिल्ली के, अगर 11 जिलों की अगर बात करें तो इन 11 जिलों के अंदर मतदान की जो फीसदी है वो सेंट्रल दिल्ली की अगर बात करें वहां सबसे कम देखा गया। नॉर्थ वेस्ट में भी कोई ज्यादा मतदान नहीं हुआ, सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में मतदान हुआ है। सेंट्रल दिल्ली 1.73% ही मतदान हो पाया है। साउथ वेस्ट के अंदर 4.66% मतदान हुआ, सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के अंदर और सबसे कम सेंट्रल दिल्ली के अंदर मतदान देखा गया। 11 जिलों की अगर बात करें दिल्ली के, तो ये वोटिंग परसेंटेज का भी स्थिति है। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वोट डालने पहुंचे। उन्होंने कृष्णनगर स्थित रतन देवी पब्लिक स्कूल में बने मतदान केंद्र पर अपने परिवार के साथ वोट डाला। यहां से आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक एस के बग्गा, बीजेपी के अनिल गोयल और कांग्रेस के अशोक वाली मैदान में। तो डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी माता जी के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे, व्हील चेयर पर अपनी माता जी को लेकर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। कहीं ना कहीं ये एक एग्जाम्पल भी सेट करता है कि दिल्ली के नागरिक होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लोकतंत्र के महापर्व पर आप अपने घर के बुजुर्गों, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने घर के बुजुर्गों को असमर्थ होने पर लेकर जाएं किसी भी स्थिति में और उनसे मतदान कराएं। अगर यथासंभव हो, अगर संभव हो कि वो मतदान कर सकते हैं तो उनको लेकर जाइए और मतदान कीजिए। और चुनाव आयोग ने भी कई तरह इसमें व्यवस्थाएं की हैं, गाड़ी घर पर भेजकर मतदाता को बुलाया जा सकता है और मतदान कराया जा सकता है, ऐसी भी सुविधाएं चुनाव आयोग की तरफ से हैं। तो दिल्ली चुनाव का पूरा अपडेट न्यूज़ वन इंडिया आपको पूरे दिन देता रहेगा। फिलहाल ये तस्वीर डॉक्टर हर्षवर्धन की, कृष्णनगर सीट पर अपना मतदान करने के लिए पहुंचे। तो अब आपको यहां पर दिग्गजों की तस्वीरें दिखाते हैं। कोंडली से अगर बात करें तो कुलदीप कुमार हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, राजकुमार ढिल्लों हैं कांग्रेस से, बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से अमरीश गौतम यहां पर प्रत्याशी बने हुए हैं। तो कुंडली सीट की हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुंडली सीट पर जो समीकरण है वो इन तीनों के बीच में बना हुआ है। इसके अलावा महरौली विधानसभा सीट की अगर बात करें तो नरेश यादव प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से हैं, कुसुम खत्री हैं यहाँ पर बीजेपी से प्रत्याशी और महेंद्र चौधरी प्रत्याशी कांग्रेस से हैं। इन तीनों के बीच भी समीकरण सियासी काफी रोमांचकारी और रोचक है। तो बदरपुर सीट की बात करें तो राम सिंह नेताजी आम आदमी पार्टी से, रामवीर सिंह बीजेपी से और प्रमोद कुमार कांग्रेस से हैं। इन तीनों के बीच भी लगातार टक्कर है। राम सिंह नेताजी की अगर बात करें आम आदमी पार्टी से हैं, प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। रामवीर सिंह भी यहां पर बीजेपी से हैं, काफी कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं।
अब बात करते हैं कालका जी सीट की। आम आदमी पार्टी के लिए ये कहीं ना कहीं साख का सवाल वाली सीट है। आतिशी जो कि आम आदमी पार्टी की एक प्रमुख नेता मानी जाती हैं, वो इस सीट से अपनी किस्मत को आजमा रही है। पिछली बार वो हार गई थी और ऐसे में धर्मवीर सिंह बीजेपी से हैं, वो चुनाव भी टक्कर दे रहे हैं। और वहीं सुभाष चोपड़ा की बेटी शिवानी चोपड़ा कांग्रेस से इस बार कालका जी सीट से अपनी किस्मत आजमा रही है। तो शिवानी चोपड़ा के लिए भी ये साख के सवाल वाली सीट है और आतिशी के लिए भी ये साख के सवाल वाली सीट है। अब बात करते हैं छतरपुर सीट की, जहां पर कतार सिंह तंवर आम आदमी पार्टी से हैं, ब्रह्म सिंह तंवर बीजेपी से हैं और सतीश लोहिया कांग्रेस से हैं। अब यहां पर देखना होगा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कितनी कड़ी टक्कर होती है। फिलहाल सतीश लोहिया कांग्रेस से हैं, ये भी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है। बात करते हैं देवली सीट की, देवली सीट पर देखें तो प्रकाश जारवालस यहां पर आम आदमी पार्टी से हैं और अरविंद कुमार बीजेपी से, अरविंद सिंह कांग्रेस से हैं। बात करते हैं उत्तम नगर सीट की, जहां पर नरेश बालियान आम आदमी पार्टी से हैं, कृष्ण गहलोत यहां पर बीजेपी से हैं, शक्ति कुमार विश्नोई आरजेडी से हैं। आरजेडी यहां पर अपने किस्मत आजमा रही है। तो यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे दिल्ली के चुनाव से जुड़ी हुई।